नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी में नए साल पर छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने 31 जिलों में अलर्ट जारी किया। जाने अपने शहर कहां। यूपी में पश्चिमी हवाओं ने कड़ाके की ठंड के साथ दिन के समय गलन का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। बर्फीली हवाओं में बढ़त के साथ मौसम एक बार फिर पतला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, इसके चलते पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की आशंका है। ऐसे में कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 जनवरी तक प्रदेश के 31 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 2 जनवरी से दिखेगा बदलाव। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश भर में ठंड बढ़ रही है। आगामी 3 दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, उसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के राज्य स्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार 2 जनवरी तक प्रदेश के 31 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साफ रहा मौसम। इससे पहले गुरुवार को यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में 6 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। गुरुवार को यूपी के ज्यादातर इलाकों में कोहरा नहीं देखा गया, साथ ही सुबह से ही धूप खिली। वहीं आज यानी शुक्रवार को भी कई जिलों में मौसम साफ रहा, लेकिन बर्फीले हवाओं ने गलन का एहसास कराया। अयोध्या सबसे ठंडा शहर रहा। गुरुवार को अयोध्या और मुजफ्फरनगर प्रदेश के सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं शहजादपुर और बरेली में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सुल्तानपुर में 5.5 डिग्री और कानपुर में 5.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा। इन जिलों में अलर्ट जारी। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रिपोर्टर आरपीएस समाचार टीम। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।